ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम बेचिंग टिकट से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि होली आने वाले हैं और इस टाइम ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, ना ही नॉर्मल में ना ही तत्काल में। तो क्या हम बेचिंग टिकट से ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भी हम टिकट बुक कराते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक करा रखे हैं और टिकट वेटिंग लिस्ट में है और 4 बनने तक टिकट आपका कन्फर्म नहीं होता है तो आप लोग इस टिकट से ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन वहीं आपने काउंटर से टिकट ले रखे हैं और टिकट आपका वेटिंग लिस्ट में है, यदि चार्ट प्रीपेड हो जाता है और वो टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो क्या हम उस वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि आप लोग यहाँ पर जनरल टिकट लेकर भी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, बट लेकिन फिलहाल में नहीं कर सकते कि 2S क्लास जो है उसका बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 4 महीने बाद यदि आप लोग जनरल टिकट लेकर भी चाहे तो ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में नहीं कर सकते। लेकिन आपने काउंटर टिकट वेटिंग ले रखे हैं तो आप लोग इजली तरीके से स्लीपर क्लास में या फिर 2S क्लास में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चाहे तो टीटी आप लोगों को पेनल्टी मारेगा कि नहीं मारेगा, लेकिन यदि आपने काउंटर से टिकट ले रखे हैं तो आप लोगों को पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऑफिशियल बात किया जाए रेलवे की, तो यहाँ रेलवे की तरफ से अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जिसमें बताया गया है कि आप लोग काउंटर वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। फिलहाल में अभी वहीं से यही बताया गया हुआ है, यदि आपके पास ऑनलाइन टिकट है या फिर ऑफलाइन टिकट है तो आप लोग ट्रेन में सफ़र फिलहाल में नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस प्रकार का आप लगा, यदि आप लोगों के पास काउंटर वेटिंग टिकट है और ज़्यादा इमरजेंसी है जाना, तो आप लोग ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं इजीली तरीके से, आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आने वाले टाइम में यानी कि 4 महीने बाद जो 2S क्लास का बुकिंग था वो हटा दिया गया, यानी कि बुकिंग स्टॉप कर दिया गया है, यानी कि आप जो भी ट्रेन होंगे तो 3 से 4 डब्बे आगे और 3 से 4 डब्बे पीछे आप लोगों को जनरल डब्बा मिलेगा, जो कि आप लोग करेंट में टिकट लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं आप रेलवे को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा बिहार रूट यूपी रूट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है ट्रेन से सफ़र करते हैं उस सीज़न के टाइम, और यहाँ पे होली भी आने वाली है, इसके बाद मई जून में पता है गर्मी का छुट्टी पड़ती है स्कूल के, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। इसी को लेकर यहाँ पे रेलवे ने ये लागू किया है, जिससे कि आप लोग जनरल टिकट भी लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।